तीन बातों का ख्याल तुला राशि वाले जातक अगले 2 दिनों में जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में फिर से एक बार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुला राशि के बारे में, जानेंगे कि अगले 2 दिन 27 और 28 दिसंबर आपके लिए कैसे रहेंगे। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर कुंडली बनी हुई है, ग्रह गोचर की स्थिति बनी हुई है। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, अगर आपका तुला लग्न है तब भी आप ये राशिफल देख सकते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि यह समय मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष का समय है, जिसमें त्रयोदशी तिथि सुबह 6:22 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। इस दिन कृतिका नक्षत्र रहेगा 27 दिसंबर को दोपहर 1:19 तक और 28 को रोहिणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 3:39 तक, उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि 27 को दोपहर 1:19 तक सूर्य का नक्षत्र रहेगा, जो कि आपके लाभ के स्वामी है। उसके बाद चंद्रमा का नक्षत्र अगले दिन 28 दिसंबर को दोपहर 3:39 तक रहेगा, जो कि आपके कर्म के स्वामी है। और उसके बाद मंगल का नक्षत्र रहेगा, जो कि आपकी इनकम के और धन के स्वामी है। तुला राशि वालों के लिए आने वाले अगले 2 दिन धन की बात करें, व्यापार कारोबार की बात करें, तो सही समय है, बहुत बढ़िया समय है, फायदा उठाना चाहिए, धन लाभ होगा। और आपके करियर की बात करें तो करियर के लिए भी समय ठीक रहेगा, लेकिन नौकरी करने वालों को अधिक मेहनत भागदौड़ इन 2 दिनों में करनी पड़ सकती है। इन 2 दिनों में आपको खास सावधानी बात करें कि सबसे बड़ी खास सावधानी आपको बोलचाल में रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय तुला राशि पर, तुला लग्न पर शनि की ढैया चल रही है। आप देख सकते हैं बृहस्पति और शनि की युति मकर राशि में है, शनि देव आपके चतुर स्थान में है, शनि की ढैया चल रही है, पारिवारिक वाद विवाद अगले 2 दिनों में हो सकते हैं। और मंगल का राशि परिवर्तन मीन राशि से मेष राशि में हुआ है, जो आपके व्यापार को गति देगा, तेज रफ्तार देगा और धन की स्थिति को मजबूत करेगा, कामकाज की स्थिति को, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, हर प्रकार से आपकी पर्सनैलिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन मंगल की यहाँ पर स्थिति आपके वैवाहिक जीवन में अगले 2 दिनों में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि राहु और चंद्रमा की युति आपके अष्टम स्थान में हो चुकी है। राहु और चंद्रमा की युति से चंद्र ग्रहण अगले 2 दिनों में आपके लिए बनने वाला है। ध्यान देने वाली बात सबसे बड़ी, आपको बोलचाल में रखनी है, बोलचाल में मिठास रखें, किसी से अगले 2 दिनों में वाद विवाद ना करें। इसके अतिरिक्त शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई लिखाई के स्वामी शनिदेव अपने से पीछे हैं एक नंबर, तो पढ़ाई लिखाई वालों को भी अगले 2 दिनों में लापरवाही करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों में भी आप बोलचाल में मिठास रखें। सेहत की बात करें तो सेहत में थोड़ी बहुत सावधानी आपको खाने पीने में रखनी होगी, वाहन आदि चलाते समय भी आपको सावधानी रखनी होगी। तो दोस्तों, इन 3 बातों का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे जरूरी है आपका बोलचाल अगले 2 दिनों में बिगड़ना नहीं चाहिए, नहीं तो आपकी वजह से पारिवारिक उलझने बन सकती हैं और वैवाहिक जीवन में अशांति आ सकती है। उपाय के तौर पर आप 27 दिसंबर रविवार के दिन सूर्य को जल जरूर दें, क्योंकि कृतिका नक्षत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और गुड़ गेहूं का दान जरूर करें। दान आप जहां मर्जी करें, किसी जरूरतमंद को दें या किसी धर्म स्थान में करें। इसके बाद के समय में चंद्रमा का नक्षत्र रहेगा, करियर में आगे बढ़ने के लिए आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। वैसे भी सोमवार रहेगा अगले दिन, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी, साथ ही साथ दूध और चावल का दान आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप इसी तरह अगर आप कोई भी सवाल मुझसे करना चाहते हैं तो अब हमारी फ्री कंसल्टेशन शुरू हो चुकी है, हर संडे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक आप जुड़ सकते हैं। आप कॉल कर सकते हैं 9996458587 पर आप कॉल कर सकते हैं, हर संडे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक। जय माता दी।